तो आपको बता दें 20 दिन पहले यूएवी की तस्वीरों से उनके परिवार वालों को संदेश भेजें, घायलों को चिंता करें और देखने की चिंता करें। मुख्यमंत्री को चुनाव असम उनकी प्राथमिकता हो गई है। छत्तीसगढ़ के उस बड़ी घटना में घटना होने के बाद भी ये चिंता नहीं है कि उन परिवारों को जो आज शहादत हुए, शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई दो शब्द बोले और बात करें। आज भी जब इतनी बड़ी घटना हो गई, जवानों के शव लाए जा रहे हैं, वहाँ रैलियाँ चल रही हैं। ये आश्चर्य होता है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में का मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन नहीं हो सकता कि कहीं किसी के क्षेत्र में विधानसभा में इतनी बड़ी घटना हो गई हो और हम वहाँ पर रैलियाँ निकालकर वोट मांग रहे हैं। क्या ऐसे भी वोट मांगा जा सकता है जब घर में लाशें पड़ी हैं, उसको ले जाने की व्यवस्था करना है और मैं स्टेट का प्रमुख होता हूँ? ये जवाबदारी है किसी मुख्यमंत्री का? और ये इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 5 बजे के बाद मैं आऊँ? ये 2 दिन जिस प्रकार की स्थिति रही, गृह मंत्री जी का बयान आधा अधूरा आता है। इस विषय को लेकर मैं 2-3 महत्वपूर्ण विषय प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये विषय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि वो बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, कोविड फैल रहा है, पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ज़्यादा बेजवाबदारी का काम तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 22 जवानों के पार्थिव देह घटनास्थल पर मिले हैं। एसटीएफ की बैकअप टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ था, 22 जवानों के शहीद होने की खबर की पुष्टि हुई है। नक्सली हमले में 16 जवानों के शहीद होने की पुष्टि पहले हुई थी और ये आंकड़ा अब 22 पहुंच चुका है। वहीं 6 जवानों के पार्थिव देह पहले सर्चिंग के दौरान मिले थे। 32 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 7 जवानों को रायपुर रेफर किया गया था। 25 जवानों को बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 7 जवान जो रायपुर में हैं वो अब खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज लगातार जारी है। वहीं 9 नक्सलियों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा था। इधर जोनागुड़ा की पहाड़ियों पर ये नक्सली हमला हुआ था और कमांडर हिड़मा को पकड़ने के लिए गाँव पहुँचे थे जवान। और उन शहीदों को सम्मान दें। मुझे लगता है कि ये जो स्थिति आज सरकार की है, बस्तर के बारे में बार बार इनका प्रश्न रहता था कि वहाँ पे कोई आईजी नक्सल के लिए पदस्थ नहीं है, डीआईजी उसको प्रभारी, आज डीआईजी प्रभारी वहाँ पे काम कर रहे हैं। आईजी की पदस्थापना करें, जवाबदार लोगों को उसके लिए जवाबदारी दें। गृह मंत्री जी आज तक बीजापुर पहुँचे नहीं हैं, कम से कम वहाँ जाकर बस्तर के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सीआरपीएफ के डीजी से लेकर, यहाँ के डीजी से लेकर, नक्सल ऑपरेशन इनके साथ एक ज्वाइंट बैठक लेकर उन परिवारों से भी बात करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से बेजवाबदार सरकार और उनका किया गया काम दिख रहा है, और ऐसे सरकार से उम्मीद करना भी लोगों ने छोड़ दिया है, अब उम्मीद भी नहीं करते। मैं भी कहता हूँ कि हम खुद कोरोना से लड़ने के लिए अपनी तैयारी करें, खुद वैक्सीनेशन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम मास्क लगा के रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ साथ ये सुरक्षा उपाय हम खुद करें। सरकार के भरोसे कोई रहेगा तो ये स्थिति जो छत्तीसगढ़ की हो रही है दिन ब दिन और ख़राब होता जाएगा। देखिए, जो डिप्लॉयमेंट उन्होंने अंदर किया है नक्सलियों के, वो चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, इन सारे इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम तो सरकार ने 15 साल में किया। और आज जब ये प्रश्न गृह मंत्री जी कर रहे थे कि 15 साल में कार्ययोजना नहीं बनी नक्सल को लेकर, एक अजीब प्रश्न उनका था। अरे नक्सल एरिया में जो कार्ययोजना हमने बनाई 15 साल में, 30,000 जवानों की भर्ती किया, सारे थाने को 100 जो 10 और 15 लोग थाने में रहते थे, 100 पुलिस जवान की नियुक्ति हर थाने में किया, हर थाने को मॉडल थाना 1-1 करोड़ से बनाने का काम किया। थाने की स्थिति क्या थी, पहले थाने लूट लिया करते थे, हमने जंगल वारफेयर की स्थापना की, प्रशिक्षण की व्यवस्था की, पुलिस को डिप्लॉयमेंट किया, मगर ये 2 साल में
पुलिस का कदम पीछे हटता गया, कोई स्पेसिफिक कार्य योजना बनाकर काम नहीं किया, और इसलिए इस प्रकार की जो बड़ी घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतिगत विषयों में निर्णायक चूक की वजह से होती है। दो बड़ी घटनाएं 10 दिनों में हुई डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं कि भूपेश सरकार की चर्चा की बात कर रही है कितनी सार्थक है? ये अभी तो पिछले एक महीने से ये सरकार पूरे असम में लगी है, छत्तीसगढ़ से लेना देना नहीं है। असम में रोड शो हो रहा है, असम में कार्यक्रम हो रहा है, असम कोई जवाबदार व्यक्ति एक महीने से नहीं, दो दो बड़ी घटनाएं हो गई, कोई जवाबदारी के साथ काम करने के लिए, प्रेस से बात करने के लिए या बस्तर में जाकर लोगों को सांत्वना देने को तैयार नहीं है। पहला कर्तव्य होता है हम वहाँ पहुँचें, वहाँ के फोर्स का मनोबल मजबूत करने का काम करें। इतनी बड़ी